हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? गिरफ्तार कर लेंगे, ये जेल की धमकी दे रहे हैं। दो हमारे तीन नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? क्रांतिकारी लोगों को इतनी भारी संख्या में देखकर बहुत खुशी हुई, आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत है। आप घर से निकले, आप मकानों से निकले, दुकानों से बाहर निकले, ये क्रांति का संकेत होता है। यही क्रांति हमने पंजाब और दिल्ली में देखी हुई है, हम चश्मदीद गवाह हैं उसके। आज जैसा कि बोला गया 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, 75 साल हो गए देश को याद हुए, कुछ नहीं बदला। गरीब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में वो शिक्षा नहीं है जो उसको अफसर बना दे। गरीब अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को इलाज नहीं करवा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं है और सरकारी में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें। तो आपको मैं कहने आया हूं, इनके जुमलों में मत आना। ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, जुमले, वो 15 लाख वाला भी जुमला निकला, 15 लाख आ गया किसी के खाते में? पंजाब में भी नहीं आया भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था तब मैंने बोला था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? हर बात ही झूठ है भाई साहब, हर बात झूठ है। तो इनके जुमलों में मत आना। जब वोट देने जाओगे तो एक चीज मेरी आज बात ध्यान से याद रख लेना, मशीन को देखोगे उसमें बटन, बटन के सामने चुनाव चिन्ह, वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का या किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो फिर तो है ही, वो दोनों है ही, बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेगा। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है लेकिन आना पहले नंबर पर है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर। ये झाड़ू सफाई करता है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी
चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको रोको, इनको रोको प्रचार में जाने से। तो कह रहे हैं ईडी का सम्मन भेजो, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो केजरीवाल को, ये पूरे देश में ना फैल जाए। इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जेल की धमकी दे रहे हैं, दो हमारे तीन नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे, अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल चुकी है। सब केजरीवाल हैं, सब सामने केजरीवाल हैं, जो सच्चा है जो ईमानदार है वो केजरीवाल है बस। पंजाब से आया हूं, डेढ़ साल हो गया, 37,000 से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अपने हाथों से देके मैं आपके सामने खड़ा हूं। 37,000, कोई पटवारी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एसडीओ, कोई टीचर, हर गांव में 10-10 11-11 नौकरियां मिल चुकी हैं। हर गांव में जहां एक भी नौकरी नहीं मिलती थी, भाई साहब नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है, क्या नहीं दिया भगवान ने, कोयला दिया, जंगल दिया, जल दिया, नदियां दी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए बस। पंजाब में 90% घरों को बिजली का